साहिल मेरे पापा से बात करा दो। यार मुस्कान क्यों जिद कर रहे हो यार, हम लोग घर से भाग के आए हैं। अगर हमने उनको कॉल किया तो उनको हमारी लोकेशन मिल जाएगी, और अगर हम उनके हाथ लग गए ना तो हमको वो जान से मार देंगे। साहिल 3 महीने हो गए पापा से बात किए हुए, मेरा दिल नहीं लगता है उनके बिना, बस एक बार बात करा दो, मुझे बहुत याद आती है। मुस्कान यार तुम समझती क्यों नहीं हो, हम लोग घर से भाग के आए हैं और हमने घर से चोरी भी की हुई है और पुलिस हमको ढूंढ भी रही होगी। साहिल प्लीज बात करा दो, मैंने पापा को बहुत दुख दिया है, मैं बस एक बार उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना मुझे बहुत घुटन महसूस होती है, सफोकेशन होती है, उन्हें एक बार सॉरी बोल दूंगी ना तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, प्लीज बात करा दो बस। मुस्कान ये हमारे लिए सेफ नहीं है, अगर हम लोग उनके हाथ लग गए ना तो हम लोग हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं, समझो बात को। साहिल तुम उससे प्यार करते हो ना? हाँ। तो बस एक बार बात करा दो, पक्का लास्ट टाइम होगी, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी, बस एक बार। ठीक है ये लो, कर लो अपने पापा से बात। हेलो भैया, मैं मुस्कान बोल रही हूँ। तू जिंदा है अभी तक? हाँ भैया मैं जिंदा हूँ। भैया आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? तुझे तो मैं कभी जिंदगी में माफ ना करूं। भैया बस एक बार मेरे पापा से बात करा दो प्लीज, मुझे ना उनसे माफी मांगनी है, मैंने जो भी किया ना मुझे उसका रिग्रेट है, और बस मैं एक बार पापा से माफी मांगूंगी, उसके बाद मैं कभी फोन नहीं करूंगी आपको, प्लीज। पापा से बात करना चाहती है ना तू? ठीक है तो तुझे मरना पड़ेगा। क्या? क्योंकि पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है तेरा बाप तेरी वजह से। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। ये क्या कह रहे हो आप? सच बोल रहा हूँ, तेरे घर से भागने के 2 दिन बाद पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा गुजर गए। तू उनकी मौत की जिम्मेदार है। और सुन, आज तो तूने मुझे कॉल कर दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा मुझे कभी कॉल किया या मेरे सामने आ गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। भैया मुस्कान, मुस्कान क्या हुआ, सब ठीक है ना? पापा की डेथ हो गई, जब हम घर से भागे थे उसके 2 दिन बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गई। मैंने अपने पापा को मार डाला यार, मेरी वजह से मर गए वो, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पापा ने हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी में मेरी जान बसती है और मैंने उनकी जान ले ली। देखो हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, नहीं तो हम ये सब कभी नहीं करते। सर मैं उनको सॉरी भी नहीं बोल पाए। Ha 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 ha!